हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट सिक्वेंशियल सर्किट जिसके अंदर हमारे फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं तो सिक्वेंशियल सर्किट की अगर हम बात करें तो सिक्वेंशियल सर्किट होता क्या है जिसके बिहाफ पर हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं सो so, आइए डेफिनेशन डिस्कस करते हैं द लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड नॉट ओनली द प्रजेंट इनपुट्स यानी कि यह एक लॉजिक सर्किट होता है जिसके आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी कि किसी भी समय वह प्रजेंट इनपुट पर डिपेंड नहीं होते यानी कि वह उसका जो प्रजेंट इनपुट है उस पर डिपेंड नहीं होते बट आल्सो द पास्ट आउटपुट्स यानी कि वह जो पास्ट आउटपुट आया हुआ होता है उस लॉजिक सर्किट का उस पर डिपेंड होते हैं ऐसे सर्किट्स को ही हम सिक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं ऐसे सर्किट्स को ही हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं यानी कि जो लॉजिक सर्किट सिक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं वह प्रेजेंट है इनपुट पर डिपेंड ना होकर पास्ट आउटपुट जो आया हुआ होता है उसको ही एज आ इनपुट कंसीडर करते हैं वह और वही हमारे सिक्वेंसियल सर्किट कहलाती हैं अब आप देखें यहाँ पर यहाँ पर एक सिक्वेंशल सर्किट है उस सिक्वेंशल सर्किट में हमारा इनपुट जो आ रहा है वो हमारा पास्ट आउटपुट मेमोरी में होकर यानी कि ये मेमोरी सेल हमारा फ्लिप फ्लॉप है यहाँ से होकर हमारा वह एज अ इनपुट कंसीडर हो रहा है यानी कि वह जो इनपुट है वह प्रेजेंट इनपुट नहीं है हमारा पास्ट आउटपुट है ठीक तो इस डायग्राम के थ्रू आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो सिक्वेंशल सर्किट्स होते हैं वह वर्क करते हैं अब आइए डिस्कस करते हैं हम फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में इंट्रोडक्शन टू फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप क्या होती है हमारे तो फ्लिप फ्लॉप इज आ मेमोरी एलिमेंट विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं ये एक मेमोरी एलिमेंट है जो कि कैपेबल होते हैं वन विट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ आइदर जीरो और वन एंड इट इज़ यूज इन क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट यानी कि यह है जो है वह हमारे क्लॉग्ड सिक्वेंशियल सर्किट पर बेस्ड होते हैं या यूज़ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉस्ड क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट अब फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू आउटपुट्स वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अदर फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं उसके जर्नली हमारे टू आउटपुट्स होते हैं एक तो नॉर्मल वैल्यू के लिए होता है हमारा और जो दूसरा होता है वह हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू के लिए होता है अब यह उन बिट्स के लिए होते हैं आउटपुट जो बिट्स हमारी स्टोर होती हैं फ्लिप फ्लॉप में आ फ्लिप फ्लॉप कैन मेंटेन आ बाइनरी इस्टेट इनडेफिनेटली यानी कि यह मेंटेन करती हैं बाइनरी स्टेट्स को यानी कि कंडीशंस को जब तक एज लॉन्ग एज पावर इज डिलीवर टू द सर्किट जब तक सर्किट में पावर हमारी डिलीवर हो रही होती है अनटिल डायरेक्टेड बाई एन इनपुट टिग्नल टू स्विच स्टेट्स जब तक वह होती रहती है जब तक वह हमारा जो uh, पावर है वह स्विच नहीं हो जाती है। अफ्लिप्लॉप इज ऑल्सो अफ्लिप्लाप इज आल्सो नोन एज बिस्टेबल मल्टी बाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप को हम बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नेम से भी जानते हैं ये देखिए है, हमारा ये आपके सामने है ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर हमारे इनपुट्स हमें मिल रहे हैं देन हमारे दो आउटपुट हैं यहाँ पर एक है हमारा नॉर्मल आउटपुट और दूसरा है हमारा इन्वर्टेड आउटपुट इन्वर्टेड आउटपुट मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अदर आउटपुट इज़ फॉर द कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्टेड वैल्यू ठीक फ्लिप फ्लॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर इनपुट्स एंड पल्सिस कॉज ट्रांसेशन बिटवीन टू स्टेट्स यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये डिपेंड करते हैं इनपुट्स uh, पर और पल्सिस पर क्लॉक पल्सिस पर जो कि हमारे ट्रांजेक्शन को बिटवीन टू स्टेट यानी कि ज़ीरो और वन की स्टेट में यानी कि ऑन और ऑफ़ की कंडीशन में हमारी इम्प्लीमेंट होती है देर आर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप यानी कि फ्लिप फ्लॉप के जो हम देखें तो हमारे पास फोर बेसिक टाइप्स होते हैं जो कि फंक्शनली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप यानी कि सेट सेट फ्लिपलॉप दैन जे के फ्लिप फ्लॉप एंड थर्ड वन होता है हमारे डी फ्लिप फ्लॉप एंड द लास्ट वन इज टी फ्लिप फ्लॉप तो जनरली ये हमारे फोर बेसिक टाइप्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप के बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट और लैच बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट और लैच यानी कि फ्लिप फ्लॉप को हम लैच भी बोलते हैं यानी कि ब्लैच ही बोलते हैं और मल्टी वाइब्रेटर भी बोलते हैं बिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर अब अगर फ्लिप फ्लॉप के सर्किट की अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे आप बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नैंड गेट और टू नॉर गेट यानी कि यह हमारा जो फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है वह हमारे दो नैंड गेट की या फिर दो गेट की हेल्प से बनते हैं अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो सर्किट दे रखे हैं हमारे एक सर्किट हमारा नॉर्थ गेट की हेल्प से बना हुआ है एक सर्किट हमारा नैंड गेट की हेल्प से बना हुआ है अब आप देख रहे होंगे इसमें एक इनपुट आ रहा है हमारा आर एक इनपुट आ रहा है हमारा आर देन एक इनपुट आ रहा है हमारा एस ठीक तो अगर हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा सॉरी इस फ्लिप फ्लॉप का हमारा जो फर्स्ट जो नॉर्थ गेट है इसका जो इनपुट होगा वो सेकंड यानी कि कॉम्प्लीमेंट वैल्यू एज अ कंसीडर होगी वहाँ पर एज अ इनपुट और अगर हम सेकंड वाले नॉर गेट में बात करें फ्लिप फ्लॉप के फ्लिप फ्लॉप सर्किट में जो हमारा सेकंड वाला सर्किट है उसमें हमारा फर्स्ट वैल्यू तो एज अ सेट हमारा आ ही रहा है देन सेकंड हमारा जो इनपुट आएगा वो हमारा नॉर्मल आउटपुट जो होगा फर्स्ट नॉर गेट का वो हमारा सेकेंड में एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाएगा ठीक तो ये इस तरीके से हमारा सेट और रिसेट के थ्रू हमारा यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप बन जाता है इसमें दो आउटपुट्स आते हैं हमारे वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड अदर फॉर द कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू यानी कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट विद नॉर्गेट्स अब हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट नैंड गेट के थ्रू इसमें हमारा क्या होता है नैंड गेट और नॉरगेट में जस्ट अपोजिट हो जाता है हमारा यानी कि सेट हमारा टॉप में पहुँच जाता है और सेट हमारा बॉटम में पहुँच जाता है दैन हम देखें इसमें अभी हमारा सेम कंडीशन रहती है फर्स्ट इनपुट हमारा सेट एज अ कंसिडर हो जाता है वहाँ पर फर्स्ट गेट में देन उसका जो सेकेंड इनपुट होता है वो सेकेंड नैंड गेट का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट जो होता है वो हमारा फर्स्ट नैंड गेट में एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाता है और जो हमारा सेकेंड नैंड गेट होता है उसमें हमारा फर्स्ट इनपुट तो हमारा रिसेट रहता ही है देन हमारा सेकेंड इनपुट जो होता है वो हमारा नॉर्मल आउटपुट ऑफ फर्स्ट नैंड गेट हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है उसको हमने किस तरीके से गेट और नैंड गेट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है अब आइए देखते हैं इसकी ट्रुट टेबल के बारे में इसकी ट्रुट टेबल के बारे में अब ट्रुट टेबल की अगर हम बात करें तो सेट और रिसेट यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यूज ले रखी हैं देन हमारा उसका एक आउटपुट दे रखे हैं क्यू और क्यू बार यानी कि वन फॉर द नॉर्मल वैल्यू एंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट वैल्यू अब अगर हम फर्स्ट ट्रुट टेबल की बात करें तो फर्स्ट ट्रुट टेबल में हमारा फर्स्ट है एस वन है और आर हमारा ज़ीरो है यानी कि आर हमारा ज़ीरो है अब आर हमारा ज़ीरो गया ठीक आर हमारा ज़ीरो गया तो हमारा इस तरीके से आर हमारा ज़ीरो यानी कि यहाँ पर हमारा ज़ीरो आ जाएगा जगह आप यहाँ पर हमारा आर जो है वह पहले ज़ीरो हो गया ठीक और एस हमारी जो एस की वैल्यू है एस की वैल्यू हम देखें तो एस की वैल्यू क्या है हमारी वन है एस की वैल्यू क्या है हमारी वन है तो आप देखें जब है इम्प्लीमेंट होगा और इम्प्लीमेंट होकर जाएगा तो हमारा जो नॉर्मल है इनपुट वो हमारा कन्वर्ट होकर वन हो जाएगा कन्वर्ट होकर यहाँ पर वन हो गया ठीक अब सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा ज़ीरो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा जीरो यानी कि आप देख रहे होंगे क्यू के लिए हमारा क्या आ गया वन और क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ गया ज़ीरो यहाँ पर ठीक अब सेकंड हमारे केस में दोनों सेट रिसेट सेट की वैल्यू क्या है ज़ीरो सेट रिसेट की वैल्यू हमारी क्या है ज़ीरो अब यहाँ पर आप देखें कि सेट और रिसेट यानी कि यह जब हमारे पास ज़ीरो होगा ये दोनों हमारे पास इस केस में जब जीरो यहाँ पर होगा हमारा और जीरो यहाँ पर होगा हमारा ठीक तब क्या होगा हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा अब प्रीवियस आउटपुट जो होगा वो हमारा एज इनपुट कनेक्ट होगा यहाँ पर यानी कि प्रीवियस आउटपुट क्या आया था हमारा वन और जीरो वन और जीरो यानी कि वन फॉर द एस वन फॉर सॉरी वन फॉर द आर आर का क्या था हमारा वन यहाँ पर हमने ले लिया वन ठीक है यहाँ पर हमारी इसकी जगह हो गया वन वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ हमारा ज़ीरो ठीक है वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ हमारा ज़ीरो यानी कि आर की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ देखें ज़ीरो आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर हमारी ज़ीरो देन प्रीवियस हमारा आउटपुट क्या आया था ज़ीरो एस का क्या आया था हमारा ज़ीरो ठीक अब हम ऐस का देखें तो ऐस का हमारा ज़ीरो आया था आउटपुट अब जीरो को अगर हम इसके थ्रू यहाँ पर जाकर कनेक्ट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी वन ठीक इस तरीके से हमारा आपने देखा कि किस तरीके से यह जो हमारी वैल्यू है वह प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करती हैं और इसका जो नेक्स्ट इनपुट आता है वो हमारा प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड होता है अब आप देखें ज़ीरो वन ज़ीरो वन ठीक ज़ीरो वन केस में क्या होगा हमारी एस की वैल्यू सॉरी अब हमारे प्रीवियस आउटपुट आया था एस के लिए सॉरी आर का तो आया था हमारा वन और उसका आया था हमारा ज़ीरो यानी कि वन ज़ीरो ठीक अब वन ज़ीरो केस में क्या होगा ये यहाँ पर जाकर फिर चेंज हुआ वन की वैल्यू क्या हो गई हमारी ज़ीरो ठीक है वन की वैल्यू क्या हो गई हमारी ज़ीरो ठीक और हमारी नेक्स्ट क्या है ज़ीरो ठीक है ज़ीरो की वैल्यू हम ऐसे कंसीडर करेंगे यहाँ पर तो हमारी क्या हो गई वन ठीक वन तो इस तरीके से हमारी ट्र ट्रेवल जो होती है वो हमने डिज़ाइन करते हैं इस बेजिक लॉजिक सर्किट की हेल्प से तो सेम एज़ हमारा क्या होता है यही कंडीशन हमारी फॉलो होती है सेट रैट कंडीशन फॉलो होती है हमारी नैंड गेट के, के केस में नैंड गेट के, के केस में तो आई होप आपको ये फ्लिप फ्लॉप्स का जो लेक्चर है वह अच्छे से समझ में आया होगा बाकी के हम फ्लिप फ्लॉप्स के टाइप जो हैं जे के एस आर वो हम कल डिस्कस करेंगे सो so, आज के लिए थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे